आज हम उष्णता के लिए एक बहुत ही सरल उपाय देखने वाले हैं। अभी अक्टूबर पास आ रहा है, उष्णता के अनेक विकार लेके वैद्यों के पास लोग आते हैं, तो उन उष्णता के उपाय के लिए आयुर्वेद में तंदुलोदक करके एक बहुत आसान सा तरीका बोला है। तंदुलोदक मतलब जो चावल होता है उनको धो के तैयार किया हुआ पानी, इतना सा ही है। उसके फायदे क्या क्या है? यह तंदुलोदक शरीर की सारी गर्मी शांत कर देता है, शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सुधार देता है और शरीर में एक प्रकार की ताकत निर्माण कर देता है। शरीर में उष्णता के कारण जो पानी की मात्रा कम हो जाती है उसकी वजह से शरीर सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर की त्वचा रूखी होने लगती है, शरीर में आँखों में, मूत्र मार्ग में, गले में, पेट में, त्वचा में गर्मी होने लगती है, उष्णता होने लगती है, या स्त्रियों में वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, या हॉट फ्लशेस होने लगते हैं, या और भी हम देखें उष्णता के संबंध में देखें तो चक्कर आने लगते हैं। इस प्रकार के अनेक व्याधियों के लिए या अनेक लक्षणों के लिए ये तंदुलोदक बहुत उपयोगी है। हम कृति देखेंगे ये कैसे करें। हमने इतने चावल लिए हैं, ये चावल को हम दो बार धोने वाले हैं। अच्छे पानी से इनको थोड़ा सा धोना है। ये हमने दो बार धो दिए। अब हम इसमें एक ग्लास भर पानी मिलाएंगे, इनको अच्छे से निचोड़ देंगे और एक स्वच्छ बर्तन में ये तंदुलोदक हम पीने के लिए अलग कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा घरेलू आसान सा उपाय तंदुलोदक। 3 से 4 दिन हर रोज दोपहर इतनी मात्रा में लेने पर यह शरीर की गर्मी को शांत कर देता है। यह हमने परिणीता वुमेन्स आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर में अनुभव करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप भी इसका प्रयोग जरूर कीजिए। नमस्ते।